जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया चौथा T20 मुकाबला, जहां पर दोस्तों इंग्लैंड ने पूरी सीरीज का पासा ही पलट दिया है। आप सभी को बता दें कि इस तरीके से इस मुकाबले को जीतकर इंग्लैंड टीम ने अब तक सीरीज को बराबरी पर रखा है और आखिरी मुकाबला ये तय करेगा कि ये सीरीज कौन जीत रहा है। 5 T20 मैचों की सीरीज में लगातार दोस्तों यहां पर रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। पहला मुकाबला हमने देखा किस तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम जीतती नजर आई थी 9 विकेट से। दूसरे मुकाबले में दोस्तों काफी टक्कर देखने को मिली और 1 रन से इंग्लैंड की टीम जीतने में कामयाब रही। फिर तीसरे मुकाबले में दोस्तों यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम ने पलटवार करते हुए 20 रन से शानदार जीत दर्ज करी। तो वहीं चौथे T20 मुकाबले में कप्तान मोइन अली के दम पर इंग्लैंड ने दोस्तों इस मुकाबले में 34 रन से यहां पर जीत दर्ज करते हुए सीरीज को बराबरी पर खड़ा कर दिया है। अब आखिरी मुकाबला तय करेगा कि कौन जीतेगा यह सीरीज। लेकिन चौथे T20 में क्या हुआ, ऐसा किस तरीके से कप्तान मोइन अली ने ना सिर्फ बैट से बल्कि गेंद से भी यहां पर मैच पलटते नजर आए। तो चलिए दोस्तों इस पूरे मुकाबले पर एक नजर डालते हैं, क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से हाईलाइट स्कोर कार्ड है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच जारी है 5 T20 मैचों की सीरीज। किंगस्टन ओवल विस्टॉन बारबाडोस के मैदान पर सारे T20 यानी कि 5 को 5 T20 वहीं खेले जा रहे हैं। इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज जारी है 2022 का और इसी के बाद वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 भी अनाउंस की जाएगी दोस्तों, यानी स्क्वाड अनाउंस की जाएगी टीम इंडिया के खिलाफ 3 T20 मैचों के लिए। लेकिन इस मुकाबले की बात करें दोस्तों तो कप्तान एक तरफ जहां पर हमें किरण पोलार्ड नजर आए, तो वहीं इयान मॉर्गन की गैर मौजूदगी में कप्तानी करते नजर आए मोइन अली। इयान मॉर्गन सीरीज से बाहर हो गए, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों मोइन अली ने शानदार कप्तानी करी, ना सिर्फ कप्तानी बल्कि कप्तानी पारी भी खेलते नजर आए। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में जेसन रॉय, टॉम बेंटन, जेम्स विंस, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टोन, सैम बिलिंग्स, फिलिप सॉल्ट, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, टाइमल मिल्स, रीस टोपली हमें देखने को मिले। तो वहीं दोस्तों वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 ब्रैंडन किंग, काइली मैरिस, निकोलस पूरन, डैरन ब्रावो, रोमन पोल, किरण पोलार्ड, जेसन होल्डर के साथ साथ डोमिनिक ड्रेक्स, रोमारियो शेफर्ड, अकील होजन, शेल्टन कोटरल हमें देखने को मिले। अब यहां पर से दोस्तों शुरुआत होती है किस तरीके से, टॉस जीतते हैं वेस्ट इंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड और वो चेस करने का फैसला यानी कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरती है जहां पर वो बनाती है 193 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 193 का बड़ा स्कोर खड़ा करती है जहां पर शुरुआत दिलाते हैं जेसन रॉय और टॉम बेंटन। जी हाँ दोस्तों, टॉम बेंटन का विकेट जल्दी गिर जाता है, दूसरे ओवर की समाप्ति तक 8 रन पर खो देते हैं टॉम बेंटन अपना विकेट, एक चौका ही मार पाते अपनी इस पारी में। 4 गेंदों में 4 रन बनाकर होल्डर लेते हैं उनका विकेट, मैरिस पकड़ते हैं कैच। उसके बाद जेम्स विंस और जेसन रॉय करते हैं पारी की शुरुआत, उन दोनों के बीच दोस्तों यहां पर खतरनाक 85 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिलती है और ये पार्टनरशिप बहुत ही कम गेंदों में होती है। 11.3 ओवर तक दोस्तों जेसन रॉय होते हैं आउट, 42 गेंदों में 52 रन बनाते हैं अपनी इस पारी में, 5 चौके 3 छक्के होते हैं शामिल उनके इस पारी में। कप्तान पोलार्ड यहां से जिम्मा उठाते हैं ये जोड़ी तोड़ने का और यहां पर निकोलस पूरन पकड़ते हैं जेसन रॉय का कैच। अर्धशत की पारी खेलकर जेसन रॉय होते हैं आउट, उनके इस पारी में काफ़ी कह सकते हैं रोमांस था क्योंकि 3 छक्के जड़े थे। इस बीच दूसरे छोर से जेम्स विंस 26 गेंदों में 34 रन बनाते हैं 2 चौके 2 छक्के की मदद से और पारी यहीं पर नहीं थमती। 93 रन पर जहां दूसरा विकेट गिरता था वहीं 97 रन पर तीसरा विकेट गिर जाता है इंग्लैंड की टीम का। 12.3 ओवर पर दोस्तों जेम्स विंस भी हो जाते हैं आउट। अब इसके बाद आते हैं लिविंगस्टोन, ज़्यादा देर बल्लेबाजी नहीं कर पाते, मोइन अली के साथ मिलकर मोइन अली कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा हौसला देते नजर आए, लेकिन लिविंगस्टोन दोस्तों यहां पर आउट होते नजर आते हैं। लेकिन उनकी इस पारी की बात करें तो खासियत ये थी कि उन्होंने एक छोर पकड़ के रखा था और दूसरे छोर से मोइन अली रन बरसा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की पारी में हमें 65 रन की पार्टनरशिप देखने को मिलती है लिविंगस्टोन और मोइन अली के बीच, लेकिन उसमें सिर्फ 16 रन का योगदान लिविंगस्टोन का होता है और दूसरे छोर से कप्तान मोइन अली बनाते हैं 28 गेंदों में 63 रन, 1 चौके 7 छक्के 225 का स्ट्राइक रेट। जी हाँ दोस्तों, होल्डर चटकाते हैं विकेट, रोमारियो शेफर्ड पकड़ते हैं मोइन अली का कैच, लिविंगस्टन भी 16 रन बनाकर आउट होते हैं रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर 1 छक्का मार के, बिलिंग्स बनाते हैं 4 गेंदों पर 13 रन 2 छक्के की मदद से और सॉल्ट बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं, क्रिस जॉर्डन भी बिना खाता खोले खड़े रहते हैं। बात करें
कि बात करें किस तरीके से दोस्तों इस मुकाबले में यहां पर जेसन होल्डर अपनी गेंदबाजी से मैच पलटते नजर आए, जहां उन्होंने 4 ओवर कराए 44 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए, तो वहीं रोमारियो शेफर्ड ने 1 विकेट और अकील होसन ने 1 और केरन पोलार्ड ने 1 विकेट चटकाई। इसके बाद 194 रन 194 का चेस करने के लिए उतरती है वेस्ट इंडीज की टीम। जी हाँ दोस्तों, कप्तान मोइन अली के 63 रनों के दम पर 28 गेंदों पर पारी की वजह से 194 रन चेस करने के लिए मजबूर होती है वेस्ट इंडीज की टीम। शुरुआत अच्छी मिली और उसी तरीके से अंत करते नजर आए यहां पर मोइन अली। अब वेस्ट इंडीज दोस्तों 159 रन पर ही पहुंच पाती है 5 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत करते हैं ब्रैंडन किंग और काइली मैरिस, दोनों शुरुआत अच्छी दिलाते हैं। 64 रन की पार्टनरशिप होती है 7.2 ओवर के बीच तक, लेकिन काइली मैरिस 23 गेंदों में 40 रन बनाकर होते हैं आउट मोइन अली की ही गेंद पर। 2 चौके 4 छक्के लगाते हैं, लेकिन मोइन अली ही यहां पर इसका विकेट लेते नजर आते हैं। क्रिस जॉर्डन पकड़ते हैं कैच। दूसरे छोर से ब्रैंडन किंग का विकेट भी दोस्तों मोइन अली ही लेते हैं अपने उसके अगले ओवर बाद ही, जहां 8वें ओवर में विकेट लेते हैं, वहीं 10वें ओवर में ब्रैंडन किंग का विकेट भी लेते नजर आते हैं मोइन अली और शॉर्ट पकड़ते हैं कैच। 27 गेंदों में 26 रन बनाकर ब्रैंडन किंग हो जाते हैं आउट 4 चौके की मदद से। यहां से पूरा मैच पलट दिया था। उसके बाद लिविंगस्टन लेते हैं निकोलस पुरन का विकेट, आदिल रशीद लेते हैं रोमन पोल का विकेट, रीस टोपली लेते हैं जेसन होल्डर का विकेट, किरण पुलाड 16 गेंदों में 18 रन बनाकर खड़े देते हैं, डेरन ब्रावो 8 गेंदों में 3 रन बनाकर खड़े देते हैं, जेसन होल्डर 24 गेंदों में 36 रन बनाते हैं 2 चौके 3 छक्के की मदद से, निकोलस पुरन 16 गेंदों में 22 रन 2 छक्के की मदद से। गेंदबाजी में 4 ओवर कराते हुए मोइन अली सिर्फ 28 रन देते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं, आदिल रशीद 1 विकेट चटकाते हैं, लियाम लिविंगस्टन 1 विकेट चटकाते हैं और रीस टोपली दोस्तों 1 विकेट चटकाते हैं 4 ओवर में 21 रन देते भी। 159 रन 5 विकेट के नुकसान पर दोस्तों वेस्ट इंडीज़ का स्कोर और 34 रन से इस मुकाबले में हार होती है वेस्ट इंडीज़ की टीम की इस चौथे T20 मुकाबले में। मोइन अली ने 2 विकेट चटकाए प्लस 28 गेंदों में 63 रन की पारी खेली 1 चौके 7 छक्के की मदद से, 225 का उनका स्ट्राइक रेट था इस दौरान, तो उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब चुना जाता है। लेकिन अब यह सीरीज बराबरी पर खड़ी है दोस्तों, जो आखिरी T20 मुकाबला जीतेगा वो जीतेगा यह सीरीज और अपने नाम करेगा खिताब। लेकिन दूसरी बात करें दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम की, तो वो अपने घरेलू मैदानों पर दोस्तों इस तरीके से हार रही है, तो उनके लिए काफ़ी नाकामयाबी वाली बात है और वेस्ट इंडीज की टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता नजर आ रहा है। यहां पर मोइन अली को नहीं रोक पाए, यह थोड़ी दिक्कत वाली बात नजर आए उनके गेंदबाजों के लिए। अगर मोइन अली को रोक लिया होता शायद दोस्तों इतना बड़ा स्कोर खड़ा ही नहीं होता। मोइन अली की जब एंट्री होती, जब यहां पर टीम का स्कोर 100 रन से भी कम होता, उसके बाद वो 193 रन पहुंचा देते हैं। आपको बताया दोस्तों कि 12.3 ओवर तक यहां पर जेम्स विंस के रूप में जब विकेट गिरता है तो टीम का स्कोर सिर्फ 97 रन होता है, यानी कि बचे हुए करीब 7.5 ओवर के अंदर मोइन अली पूरा मैच पलट देते हैं और यहां पर 100 रन से ज़्यादा बनाते हैं उस 7.5 ओवर, यानी 40 से 45 गेंदों के बीच दोस्तों करीब 95 रन की पारी खेल जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन बात निकल कर आई मोइन अली के और लियाम लिविंगस्टन की पारी के पार्टनरशिप के बीच की। तो ये था चौथे T20 मुकाबले का हाईलाइट दोस्तों, किस तरीके से कप्तान मोइन अली ने अपना पूरा मैच ही पलट दिया कप्तानी से। शायद दोस्तों यहाँ से इयान मॉर्गन की थोड़ी कमी ना खले, लेकिन हाँ मोइन अली ने जो भी किया बेहतरीन किया और केरन पोलार्ड भी अच्छा करते नजर आए, लेकिन जीत आखिरकार इंग्लैंड के भी 34 रन से। और पांचवा T20 मुकाबले का अब हर किसी को इंतज़ार है कि कौन जीतेगा मुकाबला, उसी मुकाबले की जीत के साथ सीरीज़ भी नाम कर लेगा इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़। दोनों के पास बराबरी का मौका, सीरीज़ दो दो की बराबरी पर खड़ी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।